ओ भिड़े क्या कर रहे हो ये? क्यों दिखाई नहीं दे रहा वहां से? सोसाइटी के बॉर्डर को फेंसिंग कर रहे हैं। अरे भाई वो मुझे दिखाई दे रहा है, फिर पूछ क्यों रहे हो? मेरे पूछने का मतलब है कि किसकी परमिशन से तुम ये काम करवा रहे हो? अरे कमाल है। ए भाई ओ कैंसिल करो, ये सब कैंसिल करो काम। अरे अभी आता हूँ नीचे, ऐसे थोड़ी काम शुरू हो जाता है। अरे इनके घर में अगर चोरी होगी ना तब पता चलेगा। वैसे भी चोर को क्या मिलेगा इसके घर में, छाता और रद्दी। ए भाई नजदीक नजदीक लगाओ ना यार। पोपट भाई ये काम कैंसिल क्यों करवा रहा है? ये पोपट भाई ना हर बात पे कैंसिल कैंसिल करते रहते। तो अरे चलो चल के देखते हैं, वहाँ पर भी पोपट भाई शुरू हो जाएंगे। कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, काम रोक देंगे खाली फुकट। चलो चलो कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, 10 बार बोलते रहते हैं। ये तो हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, अपने सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। अरे अभी तक ये काम रोका नहीं मैंने, ऊपर से बोला ना कि कैंसिल करो, उसके बावजूद ये काम चालू है। ए भाई चलो निकलो यहाँ से, काम बंद करो, चलो। एक मिनट रुको रुको रुको। अरे बंद क्यों करो? क्यों का क्या मतलब है? तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि सोसाइटी के बायलॉज और मेमोरेंडम के अनुसार सोसाइटी में किसी भी तरह का खर्चा करने के पहले कमिटी की मीटिंग बुलानी पड़ती है और उस मीटिंग में उस खर्चे का कोटेशन अप्रूव कराना पड़ता है कमिटी मेंबर्स के पास। होता है कि नहीं? होता है। लेकिन तो फिर तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, मालिक नहीं हो कि किसी भी तरह का फैसला अपने आप कर लोगे अपनी मनमर्जी के मुताबिक। भाई सोसाइटी कमेटी की मीटिंग में इस खर्चे का कोटेशन अप्रूव कराने के बिना तुमने ये काम शुरू कैसे किया? जवाब दो भिड़े, चुप क्यों हो गए? जवाब दो। अरे वही तो। नहीं नहीं, वैसे तो कहते रहते हो कि सोसाइटी में फंड नहीं है खर्चा करने के लिए और यहाँ पे रंग रोगन शुरू कर दिया है। नहीं नहीं भाभी आप ही बताइए कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। ये पेंट का काम गलत है। हाँ गलत तो अवॉइड किया जा सकता था ना। हाँ तो फिर भीड़े भाई ये बात तो पोपट भाई सही बोल रहे हैं। हाँ रंग के खर्चे की जरूरत नहीं थी। अरे आप क्या उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? 6 साल पहले हमने सोसाइटी में पेंटिंग करवाया था, तब पेंट का डब्बा बच गया था, बस उसका इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पर। बोलो। और वैसे भी होली में ये सब खराब हो गया था, अब बताइए कि मैं सही किया गलत किया? सही सही किया। फिर सही कर रहे हैं ये तो। क्या पोपटलाल भाई जाने बिना आप बोलते रहते हैं, सही बोल बोल करते रहते हैं। हाँ और रही फेंसिंग की बात, तो पत्रकार पोपटलाल जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल रात सोसाइटी में चोर घुस आया था। हाँ तो हाँ अरे तो सोसाइटी में चोर घुसा था तो मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने? बोलो। चंपक चाचा ने बम मार के सबको बुला लिया था, सब मेंबर्स आ गए थे, जरा इसे पूछे कि ये कहाँ था। क्या बाबा बाबा क्या बोलो? अब बोलो कैंसिल कैंसिल बोलो ना। नहीं वो कल रात को मुझे प्रेस में थोड़ा लेट हो गया था तो इसलिए मैं प्रेस में ही सो गया था। बोलो। लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि चोर आने वाला है। दया भाभी, बबीता जी, रोशन भाभी और कोमल भाभी आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब तक पत्रकार पोपटलाल है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आज ही कमिश्नर को पत्र लिख देता हूँ कि हमारे एरिया के आसपास की पेट्रोलिंग को बढ़ा दी जाए। पत्रकार पोपटलाल की तरफ से गोकुलधाम वासियों को सिक्योरिटी की पूरी पूरी गारंटी देता हूँ। ये हुई ना एक अच्छे सोसाइटी मेंबर की बात। बोलो भिड़े और कुछ काम है क्या? तो अब ये काम शुरू करे या कैंसिल कर दे? कैंसिल काम अनुस है। अरे नहीं नहीं बात वही की वही है ना, तुमने सोसाइटी कमेटी की मीटिंग में इस खर्चे का कोटेशन अप्रूव कहाँ कराया? पहले तुम कमेटी की मीटिंग बुलाओ, इस खर्चे का कोटेशन अप्रूव करा, उसके बाद ही तुम काम शुरू कर सकते हो। पोपटलाल पहली बात, जब कल रात को चोर यहाँ से भाग गया था तब सारे सोसाइटी मेंबर्स ने खड़े खड़े ये फैसला ले लिया था कि इस बाउंड्री वॉल पर फेंसिंग लगाया जाए और यहाँ पर एक दो लोखंड का नया गेट लगाया जाए। और दूसरी बात पोपटलाल जी, अभी अभी जो आपने मुझे बायलॉज के बारे में बताया तो मैं आपको बता दूं कि सोसाइटी बायलॉज और सोसाइटी रजिस्टर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एक सेक्रेटरी को किसी को भी पूछे बगैर 5,000 तक का खर्चा करने का अधिकार होता है। लेकिन उस अधिकार का फायदा उठाकर मैंने कोई भी फालतू का खर्चा नहीं किया है। करेक्ट, बोलो कितना अच्छा है। थैंक यू। और ये जो खर्चा हुआ है ना फेंसिंग का, वो भी सोसाइटी वेलफेयर फंड में से हुआ है। और तीसरी बात, सोसाइटी की सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे पहले आती है,
वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें खर्चा नहीं देखा जाता पत्रकार जी। और चौथी बात, बस 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 भिड़े, जब ये सारी बातें मीटिंग में तय हो चुकी है तो बात खत्म हो गई ना, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था तुम्हें। तो उसके लिए सुनने की आदत होनी चाहिए पोपटलाल। तुम तूफान एक्सप्रेस की तरह शुरू हो जाते हो तो रुकते कहाँ हो? तो अगर तुम्हारी परमिशन हो तो ये काम शुरू करे। हाँ करो करो भाई करो। हे भाई काम जल्दी जल्दी शुरू करो। ओ भाई परमिशन मिल गई, तालिया। मान गए।